एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, बहारे दुनिया है चंद रोजा, बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ पे सिर उठा उठा के। खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे बिगाड़े हैं बना बना के। ये शेर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पद के नशे में रहते हैं, धन के नशे में रहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो हैं तो ये सारी दुनिया चल रही है। वो ये भूल जाते हैं कि उनसे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो कि उनके जीवन को देख रहा है, संवार रहा है, और अगर उसकी सुई उल्टी हुई तो शायद बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। खैर, ये बात डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये सारी बातें वो तमाम आस्तिक लोग जो हैं उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक शक्ति है जो हम सब के जीवन को चला रही है, जो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तभी उसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा तक कैसे पहुंचना है, इसके बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग तरीके बताए गए हैं, अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग धर्म हैं, जो कि अपने हिसाब से आपको परमात्मा के करीब कैसे जाना है वो बातें बताते हैं। आज मैंने आमंत्रित किया है एक ऐसे व्यक्तित्व को जो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। वो कृष्ण भक्त हैं, जिनका नाम हरिनाम दास जी है। वैसे तो उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति ने उन्हें ऐसा अपनी तरफ आकर्षित किया ना कि वो अब एक प्रीचर बन चुके हैं, और पिछले 11 सालों से वो बैंगलोर ग्रुप को, जो एस्कॉन का ग्रुप है, उसको प्रीच करते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी व्यक्तित्व को बुला लिया जाए, क्योंकि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि वो लोग अक्सर हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। तो ऐसा क्या खास हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने श्री कृष्ण को या श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हुए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। तो मैं हरिनाम जी को भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट और उनसे हम करते हैं बातें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण नाम जी, देखिएगा जी, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? नमस्ते, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार है आपके, तो अपने आप और अच्छी हो। भगवान श्री कृष्ण को जो है आनंद का सागर कहा जाता है, और उनके भक्त जो है उस आनंद के सागर से कुछ कुछ बूंदे लेते रहते हैं और उस बूंदों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। हाँ, मैंने क्योंकि बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कृष्ण भक्ति में डूबे होते हैं ना, उनका चेहरा भी बहुत कृष्णमय हो जाता है, उसमें एक अलग किस्म का आकर्षण आ जाता है जो कि आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। तो ये उनके प्रेम का असर है, आपकी भक्ति का असर है, क्या है जो कि आपकी पूरा, ये सब विशेष कृपा है, और खास करके अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बनता है उसमें सबसे बड़ी कृपा होती है उनके ही द्वारा स्थापित एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा का, और उस गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले गुरु का, गुरु की कृपा होती है तो कोई व्यक्ति एक भगवान की भक्ति में लग पाता है। और जैसे संगति वैसे रंगति, ये बचपन से सुनते आए हैं, तो जिस संगति में आप रह रहे हो, जिस संगति में आप भक्ति कर रहे हो, तो वो रंगति तो होनी है, वैसा रंग तो चढ़ना ही है। इसलिए ये बहुत विशेष कृपा है, और शास्त्रों में भी कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव होगा जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होगी, तो उसके हृदय में भक्ति लता बीज, भक्ति के पेड़ का बीज बोया जाएगा। तो हम वो सब भाग्यशाली लोग हैं, हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हम भगवान के उस भक्ति लता बीज को अपने हृदय में हैं और उसको क्या कह रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं, उसको हम अभी पानी दे रहे हैं, उसको अभी हम फेंसिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो पौधा बन रहा है, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर वो बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। अवश्य बनेगा, और उसी वृक्ष के तले सब लोग बैठ करके कृष्ण प्रेम में डूबेंगे। ये बहुत अच्छा करते हैं आप एक बीटेक है ना, एक जो व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कर रहा हो वो व्यक्ति अगर आध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, और वो भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, आपने आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, आप एक प्रीचर की तरह काम कर रहे हैं,
ऐसा क्या आकर्षण रहा श्री कृष्ण में या उनकी भक्ति में, देखिए आपको ऐसा भक्ति क्या लगा कि गाना आपने एक सब कुछ बहुत ही त्यागा? सिंपल तरीका है। कई बार लोग सोचते हैं भक्ति मतलब त्यागना है, भगवत गीता मतलब कुछ छोड़ देना है। एक सरल भाषा में अगर बात कहा जाए तो ये जो भक्ति है उसको भी भगवान भगवत गीता में एक शब्द उपयोग करके पूरी तरह से बताते हैं, और वो नाम है भक्ति योग। भक्ति योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। बचपन से अगर आप हमारी जनरेशन के या थोड़ा और पुरानी जनरेशन के हैं तो आपने ये शब्द सुना होगा, दो योग दो बराबर चार। योग का मतलब होता है जोड़ना। सो भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं होता है, भक्ति में हर एक चीज को जोड़ना होता है। तो आपने हर एक टैलेंट को, आपके इंजीनियरिंग को, आपके दिमाग में जो भी कुछ टेक्निकल चीजें आ रही है, साइंटिफिक बातें आ रही हैं, उन सबको भगवान से जोड़ना, ये है भक्ति। तो हर एक कार्य को अगर आपने भगवान से जोड़ दिया तो भक्ति बन जाता है। इसलिए कहा जाता है अगर आप साधारण सात्विक भोजन खाते हो और उसको भगवान को अर्पण करके खाओ तो प्रसाद बन जाएगा। अगर आप साधारण डांस करते हो, कुछ म्यूजिक पर डांस करते हो, और अगर आप भगवान के कीर्तन पर अच्छा डांस करो तो भक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक कार्य में भगवान को जोड़ना है, तो इसमें कुछ त्यागना नहीं होता है। दूसरा आपने जो कहा कि कैसे इंजीनियरिंग करने के बाद ज्यादातर इस्कॉन में देखा जाता है, हरे कृष्णा मंदिरों में देखा जाता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, सब पढ़े लिखे लोग। इतना सब पढ़ाई करने के बाद लोग सोचते हैं कि यस बहुत पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, ये कहाँ चले गए आप लोग। तो उसका दूसरा जो कारण है वो ये है कि ज्ञान के कारण, भगवद गीता भागवतम आदि के ज्ञान के कारण हमारे अंदर वैराग्य जाग जाता है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान वैराग्य। ये वो वाला वैराग्य नहीं है, अरे नौकरी नहीं मिली इसलिए मंदिर ज्वाइन कर लिया, छोकरी नहीं मिली इसलिए मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो ये वो वाला वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान के साथ में भगवत गीता भागवतम आदि का अध्ययन और श्रवण करने के माध्यम से जब उसको मालूम होता है कि मैं तो एक भगवान का अंश हूं और मैं एक आत्मा हूं और मुझे कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मुझे भगवान का नाम जप करना है और इस बात को और लोगों तक पहुंचाना है। तो हम सब लोग ज्ञान के माध्यम से, तो आपने जब यही ज्ञान सोच हुआ करके तो आपने वैराग्य उत्पन्न अपना हुआ। सब अगर कुछ आपने सुना त्यागा। होगा तो भक्ति के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों का नाम है, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो वैराग्य उसका बाय प्रोडक्ट है। भौतिक दुनिया में अनासक्ति उसका बाय प्रोडक्ट है। दुनिया भर में लोग अगर टीवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड बिजनेस स्टॉक ये सब सुनते रहते हैं, तो उनकी आसक्ति उस जगह और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। वैसे की वैसे अगर आप भगवान के बारे में, भगवान के कीर्तन के बारे में, मंदिर के बारे में, दर्शन के बारे में जितना अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उतनी ज्यादा आसक्ति आपकी भगवान से बढ़ेगी और जो भौतिक दुनिया है उससे आसक्ति कम होती जाएगी। तो ये बहुत ही सरल तरीका है ज्ञान। कभी कभी ना लोग सोचते हैं मैं ये नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं वो नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं ये गलत आदत है, मैं ऐसी आदत है। चलो ठीक है नहीं छोड़ पा रहे कोई बात नहीं, पर अच्छा आदत तो पकड़ सकते हो ना, अच्छी काम तो कर सकते हो ना। तो मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्या करें, जैसे ही निकालते फिर कचरा आ जाता है, जैसे ही निकालते फिर कचरा आ जाता है, तो क्या करें? बोले कुछ अच्छा भर दो इसके अंदर, कचरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हमारे दिमाग में हम परफेक्ट, अच्छा वैसे भरना है, अच्छा और भर अच्छा दो तो भरने के निकल तीन जाएगा। पावरफुल सोर्स हैं, वो है आईज ईयर्स एंड दिस टंग। इन तीनों चीजों के माध्यम से हमें अच्छा भरना है। कई बार लोग बोलते हैं चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, मन बहुत भटकता है, बहुत विचलित होता है, बहुत सारे विचार आते हैं। क्यों विचार आते हैं, क्यों वैसे विचार आते हैं? क्योंकि आपने कभी न कभी वो इनपुट दिया है, आपने कभी न कभी आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से अंदर भेजा है, इसलिए वो प्रोसेसिंग हो रहा है और फिर वो कभी कभी तो आउटपुट बन के आ जाता है, बहुत खतरनाक आउटपुट। तो कंप्यूटर मोबाइल आदि में जब भी आप इनपुट डालते हो तो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। वैसे ही हमारा ये मन जो है, इसके अंदर हम आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से और मुख जीवा के माध्यम से इनपुट डालते हैं। अगर वो इनपुट हमने सही नहीं डाला है, गलत डाला है,
तो प्रोसेसिंग भी गलत होगी और आउटपुट भी गलत ही आने वाला है। तो इस बात की तो आप ये मत सोचिए कि इनपुट तो हम गंदा गंदा डालेंगे, खराब खराब डालेंगे और आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक तरफ हम आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकल जाएगा ऑटोमेटिक, राइट? तो ये बात समझने की है हमें अच्छे से। और भक्ति बहुत आनंद का विषय है, खुशी का विषय है, टेंशन का नहीं है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ, क्या लाइव कर रहे हैं आप, क्या बताइए। तो भक्ति बहुत आनंद का विषय है। नहीं, जिस तरह से आनंददायक तरीके से आप समझा रहे हैं, वो जी भक्ति रस में डूबा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है इस तरह से, है ना। अच्छा, श्री कृष्ण जो है वो बहुत कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, आपको पता होगा। जनरेशन बहुत सारे सवाल पूछती है कृष्णा के ऊपर और उनके ऊपर बहुत उंगली उठाई जाती है, जबकि पूरा मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी गीता जो उन्होंने इतनी बड़ी चीज ज्ञान के माध्यम से हमें दी है। दो तरह के लोग हैं जो कि प्रासंगिक तरीके से वो बात करते हैं कि आज के इस एरा में श्री कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है, जो उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया था, वो जी हमारे लिए अभी कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। हजारों हजार साल पूर्व उन्होंने दिया था, अब क्यों? अब तो दुनिया बदल गई, कलयुग आ गया है, सब कुछ डिफरेंट है, तो बहुत सुंदर, क्या बहुत अच्छा। रेलेवेंस और है, ये हम उसे प्रश्न तो क्यों बहुत पढ़ें, ही क्या जरूरत है? जरूरी था, क्योंकि अभी गीता जयंती का महीना चल रहा है। पिछला 3 दिसंबर को ही वो तारीख थी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में ज्योतिसार नामक स्थान पर रविवार के दिन मार्गशीर्ष महीने के मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो वो तिथि जो है उसके अनुसार अभी जो 3 दिसंबर गया वो वही दिन था। तो भगवत गीता क्यों रिलेवेंस है, क्या है, उसको समझते हैं। उससे पहले आपने थोड़ा सा और कुछ भी बोला था, भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण के कुछ दो दो प्रकार के धारणा वाले लोग, कंट्रोवर्सी लोग। भगवान भगवत गीता में 90 अध्याय कॉन्ट्रोवर्सी, के 12वें श्लोक में हाँ उनके बारे में भी बोलते हैं। भगवान ने उनके बारे में भी बोल दिया कि ऐसे लोग भी होंगे। तो भगवान बोलते हैं, अवजानन्ति मा ममूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। मेरे महेश्वर रूप को जाने बिना, सभी ईश्वरों के ईश्वर रूप को जाने बिना, मेरे परम भाव को जाने बिना, ये कुछ लोग जो होंगे अवजानन्ति माम मूढ़ा। और कैसे लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। और ये मेरा क्या करेंगे, उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और उस प्रकार से वो मूर्ख लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे मेरी आध्यात्मिक दिव्य प्रकृति को। तो ये लोग रहेंगे जो भौतिक दृष्टि वाले लोग हैं। जब भगवान धरती पर स्थित थे आज से 5,000 वर्ष पूर्व, तो अर्जुन भी था और दुर्योधन भी था, और भगवान सेम रूप में उनके सामने प्रस्तुत थे। तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन ने भगवान को स्वीकार कर लिया था, शिशुपाल ने भगवान को स्वीकार कर लिया था, नहीं। इवन भगवान ने उनको आंशिक विराट रूप दिखाया तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। फिर भी वो कहते थे ये तो कोई माया वाला व्यक्ति है, ये तो कुछ माया दिखा रहा है, राइट? तो ये प्रकार के, दोनों प्रकार के लोग तो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों लीला करते हैं, और उनकी लीलाओं को समझने से क्या होता है। तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट आज प्रिंसिपल आपको बोलना चाहूंगा, खास करके आपको जिसको सुनना है वो भी सुन सकते हैं, वो ये है, फर्स्ट नो दी पर्सन देन टॉक अबाउट हिज बिल्कुल एक्शंस। पहले व्यक्ति को जानो, वो व्यक्ति कौन है, उसके बाद उसने क्या क्या काम किया है, क्यों क्यों किया है, वो बाद में पूछो। तो पहले कृष्ण को जानो कि कृष्ण कौन है, उसके बाद मालूम करो कि उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो बाद में जानो। तो पहले व्यक्ति को जानो और उसके बाद व्यक्ति के कार्यों को जानो, या व्यक्ति के कार्यों पर कुछ प्रश्न है तो उनको पूछो। तो पहले अगर व्यक्ति को जानना है तो भगवद गीता पढ़ो, ईशो उपनिषद पढ़ो। ये सब पढ़ने के बाद आप कृष्ण को जान पाओगे। और जानने के बाद फिर आपको कोई प्रश्न आता है, अरे भैया भगवान माखन क्यों चुराते थे, भगवान ऐसे कैसे वो गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए थे, ऐसे कैसे वो रास नृत्य करते थे। तो जो आगे के प्रश्न हैं वो आप पहले ABCD पढ़ लो, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद PhD के प्रश्न करना। तो ये बहुत पता आवश्यक है, लगेगा। पहले भगवान को जानो
और उसके बाद में आप भगवान के कार्यों को हाँ जानो, कृष्ण को जानो, फिर कृष्ण के कार्यों को जानो। तो ये थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न से संबंधित था। दूसरा था कि आजकल आईफोन प्रश्न का 13 उत्तर है। 14 प्रो हाँ वाले युग में आप ये क्या बात कर रहे हैं भगवद गीता की? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी भी भगवद गीता लागू होती है? अरे सब कुछ बदल गया, किताब हाँ क्यों जी नहीं बदली अभी तक? तो बहुत ही सुंदर बात है। IRCT जो क्या बोलते हैं अपने CBSE का सिलेबस सिलेबस चेंज है नहीं हुआ। या IB बोर्ड का सिलेबस है, जो भी अपने अपने स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस है, वो तो चेंज होता रहता है हर 10 साल में लगभग। ये भगवद गीता का जो चैप्टर्स है, जो श्लोक्स हैं, वो चेंज क्यों नहीं हुए? तो हर किसी व्यक्ति को ऐसा मन में रहता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आज लगभग 5,200 कुछ साल हो चुके हैं भगवान ने भगवद गीता के उपदेश को दिए हुए, और अभी तक भगवद गीता के अध्यायों में से हरे कृष्ण हियर मी जी जी ओ आई थिंक वाईफाई हाँ, आई कैन डिस्कनेक्ट हो हियर गया यू। हाँ जी जी। भगवत गीता अभी भी वही है, स्पीकर। पांच हाँ हजार जी वर्ष पूर्व जैसा बोली गई थी, वही 700 श्लोक है, वही अध्याय है, तो ऐसा क्यों नहीं बदला है? और आज के युग में हमारे ऊपर कैसे लागू हो सकती है? देखिए, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि 5,000 वर्ष पूर्व भी था, 10,000 वर्ष पूर्व भी था, 50,000 वर्ष पूर्व भी था, और आज भी है। क्या हम आईपैड या मल्टी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन कर लिए, या फिर हम बहुत बड़े बड़े गाड़ियां खरीद लिए, बड़े बड़े घर बना दिए, तो क्या किसी को बीमारियां नहीं आती क्या? क्या किसी को बुढ़ापन नहीं आता क्या? क्या किसी को मृत्यु नहीं आती क्या? ये जो आदि प्रॉब्लम है, जो मूलभूत समस्या है, वो नहीं बदली है, और भगवान भगवत गीता में मूलभूत समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। इस कारण से भगवत गीता उस समय भी लागू थी, आज भी लागू है, और आगे भी लागू रहेगी, क्योंकि कोई भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता है, जो कोई भी मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, अपने क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात कहें, डे टू डे लाइफ को जीना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। भगवत गीता में भगवान यहां तक बताते हैं कि भोजन कौन सा करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, रात को कितने बजे सोना चाहिए, इन सब की बात, डे टू डे एक्टिविटीज की बात भगवत गीता में भगवान ने कही है। तो आजकल जो ये बीमारियां चल रही है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब, होपलेसनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो है भगवत गीता। अगर कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो इन सारी मानसिक बीमारियों से वो मुक्त हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के युग में इस भगवत गीता की एप्लीकेशन। आई थिंक 5,000 वर्ष पूर्व से भी ज्यादा आज उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि पहले इतनी मेंटल डिजीजेस नहीं हुआ करती थी, पहले मोटिवेशनल स्पीकर अलग से कुछ क्लासेस नहीं चलाते थे, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं होते थे, कोई पर्सनल काउंसलर नहीं होते थे, अलग से कुछ पैसे लेकर के हर घंटे का 4,000 रुपए काउंसलिंग करेंगे, तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे, डिप्रेशन दूर करेंगे, ये नहीं होता था पहले, आज ज्यादा है। तो इन सबके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा आपको किसके पास जाने की जरूरत है, भगवत गीता के पास जाने की जरूरत है, भगवत गीता को पढ़ने की जरूरत है। अर्जुन जो मोस्ट डिप्रेस्ड था उस समय में कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं, आज तक इतनी बड़ी परेशानी जो अर्जुन के सामने आई थी वो किसी के सामने नहीं आई है, आज तक आई नहीं अभी तक। और वो क्या परेशानी, खुद के ही घर वालों को, खुद के ही गुरुओं बिल्कुल को, जी, खुद के ही बिल्कुल। पितामह को उनको मारना था, जो कि युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े थे। तो इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है, उतने बड़े धर्म संकट में था अर्जुन, हम लोगों के ऊपर तो क्या परेशानी आई है। व्हाट अवर प्रॉब्लम इज देयर, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अर्जुनस प्रॉब्लम। सो भगवत गीता इज मोर रिलेवेंट इन दिस एज ऑफ कलियुगा, इस कलियुग के लोगों के लिए तो
और ज्यादा लागू होती है, और ज्यादा उसका अध्ययन और समझ करना आवश्यकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम कम नहीं हुई है। और मूलभूत समस्या तो हमेशा याद रखना, जन्म मृत्यु जरा, योगिता जी रिपीट कीजिए क्या बताया, मृत्यु, व्याधि, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस जन्म मृत्यु प्रॉब्लम्स। जरा इन और चार व्याधि। समस्याओं से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है, और पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे पूरे साइंटिस्ट डॉक्टर्स इसी चीज में लगे हैं। क्या बुढ़ापन रोक ले हम लोगों का तो, हाँ, एंटी एजिंग क्रीम लेके आ जाए, एंटी एजिंग टेबलेट्स लेके आ जाए, एंटी एजिंग कोई योगा इम्पॉसिबल। टेक्टिक्स लेके आ जाए, कैसे कैसे हाँ करके बुढ़ापा रोक ले, रिंकल्स रोक ले, भैया कितना भी रोक लो आएगा ही आए। बुढ़ापन जो है वो आएगा ही आएगा, मृत्यु आएगी आएगा, आएगी, ये फिल्टर वेरी वेल लगाने सेड, से छुपा सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन वेरी रियलिटी वेल तो ये है कि ये चार मूलभूत समस्या है जो हर किसी व्यक्ति को सेड, फेस करनी है, वो आएगी आएगी, रहेगी ही रहेगी। तो इन समस्याओं से समाधान तो भगवान भगवद गीता में दो टर्म यूज करते हैं, आप सभी लोग सोचिएगा, और वो दो टर्म है, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस का मतलब होता है फॉर अल्टीमेट बेनिफिट, बहुत बड़े लाभ के लिए और लंबे समय के बाद वाले लाभ के लिए, और प्रेयस होता है इमीडिएट बेनिफिट, अभी अभी मजे कर लू, अभी खुश हो जाओ, अभी अच्छा लग जाए। हम सब लोग ऐसे ही हैं, जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको लगता है अभी खेल लेता हूँ, अभी थोड़ा मजे कर लेता हूँ, पढ़ाई बाद में कर लूंगा। अरे भैया तू तो अभी प्रेयस में फंसा हुआ है, माँ बाप उसको बोलते बेटा अभी पढ़ ले, अभी थोड़ी मेहनत कर ले, अभी थोड़े पैर रगड़ ले, अभी थोड़ा पसीना बहा ले, तो आगे जाके तू आसानी से खुशी से जीवन बिता पाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें मनुष्य जीवन में एक बात समझनी है तो वो ये है, एक तो है श्रेयस और एक है प्रेयस। तो श्रेयस का मतलब है अल्टीमेट बेनिफिट, कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, और एक होता है प्रेयस, अभी अभी लाइफ में एंजॉय करना है, बस अभी खूब जैसे तैसे करके, कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, पैसे ला करके, डांस करके, म्यूजिक बना के, कुछ खुश होने की कोशिश करनी है, 4 दिन की जिंदगी मजे कर लो भाई, आगे किसने देखा। अरे भाई ये मजा जो है ना बहुत बड़ी सजा बन जाएगा, इसलिए अभी से समझ जाओ, अच्छे से कुछ भक्ति का पालन कर लो, नियमों का पालन कर लो, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हो। तो भगवद गीता आज बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, आज बहुत ज्यादा हम सब लोगों के ऊपर लागू होती है। रिसेंटली एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, जो कि न्यूरो सर्जन थे, और उन्होंने अपने क्या दिया, भगवद गीता दिया है, तुम्हारे मैंने अंदर देखा लाइफ था। स्टाइल हाँ डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज क्या है, तुम्हारे सोने का, तुम्हारे उठने का, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे पीने का, कुछ टाइम फिक्स नहीं है, कुछ भी कैसे भी कभी भी कर लेते हो, उस कारण से तुम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, हार्ट बर्निंग, इन सब प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। भगवद गीता पढ़ लो और तुम सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। आपने मेरे ना जो दिल के अंदर बहुत सालों से ये क्वेश्चन था उसका आपने बहुत बहुत सुंदर आंसर दिया है। मैं भगवत गीता बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, पर जब यस, मैं फिर से पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है पिछली बार मैंने ये शायद पढ़ा ही नहीं था। न्यू उसमें मुझे पता यस, नहीं तो क्यों ऐसा कभी था कि भगवत एवरी गीता टाइम द पुरानी न्यू नहीं टाइम होती, आ आपने जाए, खुद ने या बोल मैं वो दिया, ऐसा ठीक है, ना, भगवत गीता का कभी कुछ बदलता नहीं। हाँ यस, एवरी हाँ टाइम मुझे यू हर विल बार गेट लगता है न्यू एक लाइन टेस्ट, नया आया नया रस आएगा, हुआ नया कुछ समझ में है। आएगा, वेरी कुछ वेरी हायर वेरी नॉलेज मिलेगा, कुछ हायर कॉन्शियसनेस यस मिलेगी। तो भगवत गीता में सिखाती है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल की दुनिया और आजकल की एजुकेशन क्या सिखाती है, हाई हाई लिविंग थिंक, नो थिंकिंग, थिंकिंग ही नहीं है, नो हाँ थिंकिंग, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन थिंकिंग का नो उद्देश्य क्या है। थिंकिंग 99.9% लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है, क्यों है इस लाइफ में। तभी तो जाते हैं किसी न किसी गुरु के पास कि मुझे बताइए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और मुझे बहुत शौक लगता है जीवन मेरा, इसका उद्देश्य मुझे तो मालूम होना चाहिए या वह किसी मोटिवेशनल एक तो स्पीकर के होता है पास जाके लक्ष्य पूछूं और व्हाट एक होता इज है रीजन टू उद्देश्य, वर्क माय लक्ष्य और लाइफ। उद्देश्य में फर्क है, एक तो होता है गोल और एक होता है एम। तो गोल तो हो सकते हैं कि मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, गोल मुझे भी शादी करना है, मुझे भी धन कमाना है, अलग अलग गोल्स बनते जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग गोल बनते जाते हैं,
लेकिन आपके पूरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हाँ वो आपको मालूम, क्या वो आप जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दुनिया में बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। जीवन का लक्ष्य क्या नहीं मालूम, राइट? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने चूंकि मुझे ना मेरे सारे यस, सवालों व्हाई के नॉट? जवाब दे दिए, मुझे लगता है कि एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं आपके साथ, ताकि ना वो लोगों को ध्यान रहेगा, वो क्विकली लोगों को ना रिवाइज करने के लिए रहेगा। इवन दो पूरे प्रोग्राम में यू हैव गिवन मी एवरी सिंगल बिट दैट आई वाज लुकिंग फॉर, है ना। तो डू वी आई आर स्टार्ट रेडी रैपिड एंड फायर इफ यू आर वीडियो रेडी? इज ऑन। ओ, आपका वीडियो फ्रीज हो गया। एनी ब्लड इज देयर? ब्लड हो रहा है कुछ? या नो, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, टू स्टार्ट विद, क्लियर? नहीं। इट्स ओके, इट्स वेरी क्लियर। आपको मैं ब्लर दिख रही हूँ क्या? हाँ यस। ना, आप यू आर क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवान भागवत श्री कृष्ण कथा ने अर्जुन को सुनाई थी किसने किसको सुनाई थी? लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अच्छा, कब सुनाई थी, कितने साल महाभारत में? के युद्धस्थल में ज्योतिषार नामक स्थान पर सुनाई थी। अच्छा, किस दिन और सुनाई क्यों थी? सुनाई थी? उसका उत्तर है कि एक लक्ष्य से विमुख, अपने उद्देश्य से भ्रमित, हाँ अपने कर्तव्य से भ्रमित, उद्देश्य से भ्रमित अर्जुन को सही दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए भगवान ने सुनाई थी। यस, अरे मार्गशीर्ष वाह। अच्छा, महीना कौन सी और तिथि थी और वो एकादशी की महीना तिथि, क्या और था? वो भी मोक्षदा एकादशी थी उस दिन। यस, कुरुक्षेत्र के युद्ध हाँ, स्थल में और कहाँ सुनाई थी? अभी आपने बता दिया है, मैं फिर भी चाहूंगी। भगवत गीता का ज्ञान, लोगों को लगता है 18 अध्याय कितनी बहुत देर लंबे तक समय उन्होंने तक चले सुनाई थी? होंगे। ये महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले की बात है और लगभग 45 मिनट्स में ये पूरी गीता का ज्ञान, ये कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुआ था। भगवत गीता में 18 अध्याय, उसमें कितने अध्याय हैं लगभग लगभग नहीं, पूरे 700 700 और कितने श्लोक श्लोक? है जी। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान उसमें योग, क्या क्या श्राम बताया योग और गया भक्ति योग के बारे में बताया गया है। और अल्टीमेटली भगवान ने भक्ति योग को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया। है? अच्छा, अर्जुन ने तो सुना था, लेकिन अर्जुन के अर्जुन के अलावा अलावा खास गीता करके का अगर ज्ञान और देखेंगे कितने तो लोगों को प्राप्त धृतराष्ट्र और हुआ? संजय ने भी सुना था। और दूसरी बात बता देता हूं मैं आपको, अर्जुन तो एक माध्यम था, अच्छा, ये तो अर्जुन हम से लोगों को पहले सुनाने के लिए भगवान ने भगवत गीता को, अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जो है हम सब लोगों को खुशी और आनंद प्रदान करने वाला है, ये अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको सुनाने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया था जी। अर्जुन से और ये पहले जो भगवान गीता का कहते हैं ज्ञान चौथे है, अध्याय के अर्जुन पहले से श्लोक में, पहले इमं किसने मिला? विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, वो कह रहे हैं कि मैंने विवस्वान को सुनाया था जो कि सूर्य देव का नाम है जी। गीता का सार है, अच्छा, सर्वधर्मान गीता का परित्यज्य माम सार क्या? एकम शरणम व्रज, हम बहुत अहम सारे त्वाम सार सर्व पढ़ते रहते पापेभ्यो हैं। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का सार है कि सभी धर्मों को, सभी भौतिक कर्तव्यों को छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करो, अर्थात भक्ति करो, हर एक कर्तव्य में भगवान श्री कृष्ण को जोड़ लो और भगवान की शरण में चले जाओ। यही गीता का सार है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। किसने कितने अच्छा, श्लोक गीता कहे? में डिफिकल्ट प्रश्न किसने है। कितने श्लोक 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे, और संजय ने हमारे 2 श्लोक कहे, नहीं संजय ने नहीं, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहे और संजय ने कहे, एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। लास्ट कौन बचा है? संजय, संजय ने कहे, संजय ने उसको धृतराष्ट्र को बताए हैं, संजय, तो अब संजय बच का तो गए हैं आपने बता 41, दिया, 41 बच गए। तो 41 श्लोक जो है ट्रांसलेट संजय ने करा। कहे, वापस से कह देता हूं, 41 संजय ने, 84 वो है अर्जुन ने, 574 भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ,
और एक जो सबसे शुरुआत में श्लोक कहा वो धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र ने गीता जो कहा। अच्छा है गीता जो महाभारत का है वो भाग किस है और महाग्रंथ उसमें का भी भाग है? वो शांति पर्व का भाग है। अच्छा गीता जैसे की हमारे बुक धर्म जो है ग्रंथ होते हैं वो वेद किस पुराण और धर्म ग्रंथ उपनिषद, तो में भगवत आती गीता को उपनिषद ग्रंथों में शामिल किया गया है और इसको गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। है? आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए मुझे जितना आपसे पूछा था। आई गॉट ऑल दी आंसर्स। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, अच्छा जैसे अभी आपने बोला ना कि सर्वधर्म पारितज्य मामेकं शरणं व्रज, ये वाला जो श्लोक है ये मेरे दिमाग में, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ऐसा हमेशा से लगा कि शायद श्री कृष्ण क्या सब लोगों को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग धर्म है, हम लोग अलग अलग पंथों को फॉलो करते हैं, क्या किसी हम दूसरे धर्म के व्यक्ति को कभी कह सकते हैं कि वो अपना धर्म त्याग तो करके हमारे धर्म में आ जाए? भगवान जो इसके ये कह रहे समथिंग हैं कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सर्वधर्माना सकता है परित्यज्य, ना? इसका मतलब ये नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। धर्म का अर्थ है हमारा भौतिक कर्तव्य जो हमने अभी समझ लिया है और जिससे हम बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं। इन भौतिक कर्तव्यों की आसक्ति को छोड़कर इन आसक्ति को भगवान से जोड़ना है और यही है ये धर्मों को छोड़ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से रिलेशन नहीं है इसका, धर्म का। ये इस श्लोक का कभी कभी बहुत सारे लोग गलत अर्थ समझते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, हिंदू को छोड़ दो, मुस्लिम को छोड़ दो, बस भगवान के चरण में चले जाओ। नहीं, इसका अर्थ है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो वेदों में, शास्त्रों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के अनुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं उन कर्तव्यों को छोड़ करके भगवान को समर्पण कर देना, पूरी तरह से सरेंडर कर देना। ओनली एंड ओनली कृष्ण कर्म करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये है सभी धर्मों को त्यागना। और बाकी जो ये नाम दिए हैं हमने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब नाम आज से 2700 साल पहले आए हैं। इससे पहले ये नाम एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो जो पहले का जो धर्म था उस धर्म को सनातन धर्म या फिर वर्णा आश्रम धर्म के नाम से जाना जाता था। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये जो है इन चार आश्रमों और चार वर्णों को ही धर्म कहा जाता था, लेकिन अब लोगों ने इसको जातियों में बदल दिया है, लोगों ने कुछ धर्म के नाम पर झगड़े करना शुरू कर दिया है। ये सब पहले नहीं होता था। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ये धर्म हुआ ही नहीं करते थे। अगर कोई कहता है कि भगवत गीता हिंदुओं की पुस्तक है, वो सबसे बड़ी गलती करता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहीं पर हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया है। अगर हिंदू लोग भगवत गीता को अच्छे से मानते हैं तो यस वो अच्छे हैं, अगर क्रिश्चियन लोग भगवत गीता को अच्छे से मानते हैं तो वो भी अच्छे हैं। तो भगवत गीता जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। सोचिए, सूर्य देव को दिया था भगवान ने सबसे पहले, सूर्य देव को। तो इतना पुराना ग्रंथ है ये भगवत गीता। और ये भगवत गीता मात्र धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, साथ ही साथ में अपना जीवन, प्रतिदिन का जीवन कैसे जीवन जीना चाहिए, किन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, वो भी ये भगवत गीता सिखाती है। तो बस यही है, धर्म का अर्थ गलत ना समझे। जो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात सारे अपने भौतिक कर्तव्यों को भगवान से जोड़ दो, उनको त्याग करके भगवान की शरण में चले जाओ। ब्यूटिफुल, आपने बहुत सुंदर हमें जानकारी दी है और कृष्ण जी के और करीब, मतलब उनसे प्रेम आपने और बढ़ाने में मदद की है। चलते चलते आशीर्वाद स्वरूप आप जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें बाद में भी देखेंगे, कृष्ण जी का कोई एक ऐसा सूत्र दे वैसे दीजिए तो बहुत जो बड़ी हम बात कह दी अपने कृष्ण जी जीवन का में सूत्र। लाए उपयोग में। तो उस सूत्र को ही मैं बोल देता हूं। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान वो सूत्र देते हैं, भगवान खुद मंत्र देते हैं, और वो मंत्र है, मत कर्म करिन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यहस्तमाम एति पांडवा। भगवान खुद ये मंत्र देते हैं। क्या मंत्र है? मत कर्म करिन, हमेशा मेरा कर्म करो,
मत परमो मुझे अपना परम लक्ष्य बनाओ, मत भक्ता मेरे भक्त बनो, संग वर्जिता गलत संगति को त्याग दो, निर्भय रहा किसी से दुश्मनी मत रखो, सबसे दोस्ती रखो, यह समा मिति पांडवा, ऐसा व्यक्ति हे अर्जुन मुझे प्राप्त हो। मात्र 5 काम बताए भगवान, मत कर्म कृत, मत परमो, मत हाँ भक्ता, संग वर्जिता, निर्भय रहा, ये 5 काम करेंगे, भगवान ने मंत्र दिया है, इसको पालन करने से हम भगवत धाम, भगवान के धाम जा सकते हैं, ये फॉर्मूला दिया है भगवान ने, और इसकी शुरुआत जो है और भी सरल तरीके से की गई है, और वो शुरुआत है प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और वो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, वो सभी के सभी निर्देशों का, भगवान ने जितने निर्देश दिए, जितना कुछ संदेश दिया भगवद गीता में, वो सब का सार है इस महामंत्र का जाप, ये 16 शब्दों का जाप। अगर कोई पूछे आज से ही मैं भगवद गीता का कुछ एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, आज से ही भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, तो आज से ही माला जप करना शुरू कर दो, इस महामंत्र का जाप करना शुरू कर दो। थैंक यू, यही आप सभी लोगों से निवेदन है कि एवरी डे बहुत हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद महामंत्र का जाप हृदय से करें, आपका और अगर आभार। मन में बहुत ज्यादा प्रश्न है तो भगवद गीता पढ़े, और आप सभी के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं, हम एवरीडे भगवद गीता की क्लास करते हैं जूम के ऊपर दोपहर में 3 बजे, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और शाम को 7 बजे हम ईशोपनिषद की क्लास करते हैं, वो भी आप जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी भक्त लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को जोड़ना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। थैंक यू योगिता जी, बहुत अच्छा लगा आपने ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, आशा करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत थैंक सारे यू सो मच, लोगों को सेम कुछ यू। न कुछ सीखने को मिला, और वो अपने जीवन में इस बात को उतार भी पाएंगे। थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे जीवन में तो मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू।